आँख हद तक सूबे में फैल चुका है। लाड़का से शुरू हुआ था, किसी किस्म की एहतियात की तदाबीर मंजूर नहीं की गई और HIV के अलावा क्या कहना चाहिए, हेपेटाइटिस ABC बोल रहे हेपेटाइटिस जितने मैं कहना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। एक तश्वीशनाक खबर आपके सामने मैं शेयर करने जा रही हूँ कि जिस सिंध में खून हत्या करने वाले जो 5% से ज्यादा अफराद एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी जैसी मोहलिक अमराज में मुबतला निकले हैं और सिंध के 24 अजला से इकट्ठे किए गए जो एदाद व शुमार हैं उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है जी, क्योंकि सिंध जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है अथॉरिटी उसके मुताबिक 8 माह के दौरान मुख्तलिफ जो ब्लड बैंक्स हैं उनमें 4,55,000 से ज़ायद खून के अतियात दिए गए हैं। अब इनमें से 24,000 से जो ज़्यादा अफराद हैं वो 5 बड़ी बीमारियों में मुबतला हैं और उनमें से 1,300 से ज़्यादा अफराद HIV से मुतासर हैं। अब इन अदाद व शुमार के मुताबिक कराची में खून के अतिया के वक्त 1,282 अफराद में HIV का इंकशाफ हुआ है। अच्छा, 653 मरीज़ों के साथ कराची का जो ज़िला शर्की HIV से मुतासर अफराद में सर फहरिस्त है। इसके बाद ज़िला जनूबी 441, ज़िला मलीर जो है 48, ज़िला कोरंगी 77, ज़िला वस्ती 23, ज़िला मगरबी जो है 20 अफराद में HIV की तस्दीक हुई है। और माहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा ये किया है कि वो जी वो निजी और सरकारी दोनों शोबों में खून की जाँच की खिदमात को बेहतर बनाएँ और उन्हें इंतहाई रियायती बुनियादों पर फराहम भी करें। इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। और इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं नाज़िम को ज़रा ये भी बताती चलूं कि सिंध में जो एड्स की बढ़ती हुई ये जो सूरत हाल है इस पर हलीम आदिल शेख साहब ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को एक ख़त भी लिखा है जी। शेख साहब, ये जो सिचुएशन है बड़ी अलार्मिंग है, मतलब इतने बड़े बड़े ये जो बीमारियाँ हैं इसमें मुबतला लोग अपना खून देने जाते हैं उस खून को चेक नहीं किया जाता, कोई जांच का अमल नहीं है वहां पे जिससे उसको गुजारा जाए, उसके बगैर ही ये दूसरे लोगों को लगा दिया जाता है, ये तो बीमारी को फैलाया जा रहा है और ये छोटी बीमारियां नहीं है, खासतौर पर अगर एड्स की बात की जाए, हेपेटाइटिस सी की बात की जाए, इस सिचुएशन पे क्या कहेंगे आप? आपने खत जो लिखा उसके बारे में भी जरा बता दीजिएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये आज से 2 साल पहले भी जब लड़काना में रसो देरो में पहले 1,000 बच्चों के अंदर ये बीमारी HIV सामने आई थी, उसके बाद ये पिछले 3 साल 5,000 बच्चों बिल्कुल तब भी ऐसे खून लगा था जी। और अब ये रिपोर्ट आई है कि रूटीन के जो ब्लड डोनर्स होते हैं उनको जब कहीं ना कहीं किसी ने चेक किया तो पता चला कि जो आपने फिगर्स बता दी मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा, ये बहुत अलार्मिंग है। और इससे ज्यादा हैदराबाद में एक इलाका है मसू बरगड़ी का इलाका है, यूनियन काउंसिल है, वहाँ भी हजारों की तादाद में कम के मरीज मौजूद हैं HIV के और इस पे कोई हल नहीं हो रहा, कोई किसी को मतलब कोई फिक्र नहीं है किसी को, कोई कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि खौफनाक हद तक यहाँ उस पर इजाफा हो सकता है और मरीज हो सकते हैं। वजह क्या है, एक्ट बन जाते हैं असेंबली से कानून पास हो जाते हैं, ऑटो लॉक ट्रेन इसका एक्ट मंजूर हुआ है लेकिन अमल नहीं हो रहा। आज भी कोएक्स मौजूद हैं हर कराची के पूरे सिंध, ये तो मैं बताता हूँ कराची के अलावा सिंध में मजीद सूरत हाल खतरनाक होगी। वजह क्या है, कुछ रेखने वाला नहीं है, कोएक्स मौजूद है, ब्लड जो है जिसके डोनर की जो लैंप्स बनी हुई है उसके अंदर कोई प्रॉपर उसको देखभाल नहीं है, सिंध हेल्थ कमीशन पत्ते के ऊपर लग गया है, सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट पैसे पे लग गया है। और इसके अलावा एक चीज आपकी मालूम में इजाफा करता चलूँ, गुजश्ता रोज सिंध में जो फ्री कैंसर की दवाई मिलती है तो सिर्फ सिविल अस्पताल के अंदर उसको भी बंद कर दिया गया, मना कर दिया गया, तो कैंसर की दवाई भी नहीं मिल सकती। लेकिन HIV/AIDS खौफनाक हद तक सूबे में फैल चुका है, लाड़काना से शुरू हुआ था, किसी किस्म की एहतियात की तदाबीर मंजूर नहीं की गई और HIV के अलावा क्या कहना चाहिए, हेपेटाइटिस ABC बोल रहे हेपेटाइटिस जितने मैं कहना चाहता हूँ जो खून के जरिए जो फैलने वाली जो अमराज है जी शदीद इजाफा हो, लेकिन कानों में जो नहीं रिंग रही, इनको फिक्र नहीं है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। सक्कर अस्पताल में स्वीपर पोस्टमार्टम करता है और मैडम साहिबा को पता नहीं होता है, हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहब है, उनकी सिर्फ एक क्वालिटी है कि वो जरदारी साहब की बहन है,
इसलिए उनको हेल्थ मिनिस्टर लगाया हुआ है। बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अगर सिंध में अपने लाड़काना अगर होते थे, पूरे सिंध को एड्स लगा दी गई है, कराची को एड्स के अंदर धकेल दिया गया है। और ये मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ और बोल टीपी जाके इस इशू को भी इस काबिल समझा, नहीं तो ये जिंदगी मौत का मामला है। किसी ने नहीं, आपने बात किया मुझसे, मैंने तो खत भी लिख दिया, किसी ने सीरियसली लिया और मैं उसको टेकअप करूंगा इस इजलास सब होगा तो। मैं ये नहीं, हलीमा आदिल शेख साहब, ये मैं कहती हूँ ये बहुत अहम इशू है, ये इतना अहम इशू है कि आप ये देखें कि जिस जिसको वो खून लगा, जिन पेशेंट्स ने जितनी बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला थे, उनका खून बगैर चेक किए दूसरे पेशेंट्स को, दूसरे लोगों को लगा दिया गया, तो आपने वो बीमारी उसी टाइम पर उन लोगों में मुंतकिल कर दी। यानी लोगों की जानों के साथ ऐसे खेला जा रहा है, कोई चेक नहीं किया जा रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं बड़ी आई एम स्पीचलेस, मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है सिंध में, और ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है। जी 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 जी, परवाह नहीं है कौन मरता है कौन जीता है, किसको एड्स लगती है, किसको हेपेटाइटिस लगती है, किसको कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिलती, कोई फिक्र की बात नहीं है। यहाँ एक सिस्टम है, रिक्वायरमेंट हो रही है, कमीशन मिल रहा है, हिस्सा आ रहा है, अल्लाह खैर सल्लाह, लोग मरे जिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत सीरियस है, इसको दुनिया जहान में, आज तो पता है कि अगर हम ढूंढने जाए ना कि सिंध में क्या चीज़ है, दुनिया जहान में न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी लगी थी कि 5,000 मरीज लाड़काना में, एक पाकिस्तान का शहर लाड़काना जिसमें एड्स हो गई है। तो मैं कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ खुदा के लिए सिंध गवर्नमेंट से कहता हूँ कोई, और ये 18वीं तरमीम की मेहरबानी है, 18वीं तरमीम है, सिंध का इशू है, अब इसमें हम जिम्मेदार नहीं है। ये अगर अरेंजमेंट करें, तमाम दवाइयाँ फेडरल गवर्नमेंट देती है, तमाम दवाइयाँ फेडरल गवर्नमेंट है फेडरल, लेकिन यहाँ पहुँचाने का सिस्टम नहीं है, इनके पास चेक करने का सिस्टम नहीं है, ब्लड स्क्रीनिंग नहीं है, कुछ देखने वाला नहीं है, अस्पताल में लेबोरेटरीज काम नहीं कर रही हैं, और आप देखिए वही एक्सरे एक्सप्रेस लगाए जा रहे हैं वही सूरत हाल चल रही है। इसलिए तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। ये वीडियो काफ़ी फ़नी था, आपको पता है मैं वैसे फिज़ा खान को जनरली बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं ये एक पाकिस्तानी मीडिया की राखी सावंत है, हालांकि ये राखी सावंत की भी इंसल्ट है। तो गाइज़ ये जो टॉपिक है फिज़ा खान ने कवर किया, मैं इसमें मतलब डेफिनेटली फिज़ा खान को क्रेडिट देता हूँ कि ये डेफिनेटली लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। लेकिन आप समझ सकते हो, अगर आप 4-4 शादियाँ करोगे और उसके बाद भी बाहर चक्कर चलाओगे, और फिर वो 4 भी बाहर चक्कर चलाएंगी, तो फिर ये सब लफड़े तो होने हैं, आपको भी पता है। आजकल HIV एड्स फैलता है, बहुत तेज़ी से फैलता है, और इसके जर्नली जो आपको पता है मतलब होता क्या है, अगर HIV एड्स होगा, अगर आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी वीक हो जाएगी कि आपको दूसरे रोग होंगे, तो उस रोग से आप फाइट ही नहीं कर पाओगे। बेसिकली आपने देखे होंगे HIV एड्स के पेशेंट इसी तरीके की चीज़ों से प्रताड़ित होते हैं। तो दोस्तों ये जो है, इससे बचने का आसान तरीका है कॉन्डोम यूज़ करें, और HIV एड्स का जो पेशेंट है, और अगर उसको HIV एड्स है तो वो खुलकर बता दे, जिससे होगा क्या कि उसको मतलब अगर नाई के यहाँ जाता है, वो सैलून में जाता है, तो उसके साथ जो ट्रीटमेंट होगा वो अलग तरीके से होगा, नहीं तो उससे इन्फेक्टेड जो ब्लेड वगैरह है, उससे इन्फेक्टेड जो भी चीज़ है वो किसी दूसरे को इन्फेक्ट करती है, तो फिर वो बेचारा मतलब फ्री फंड में उस शिकार बन जाएगा, ना कुछ किया होगा उसने जीवन में, और उसके साथ ये घटना हो सकती है। तो ये है दोस्तों, ये ब्लड टू ब्लड होता है ट्रांसफ़र, ये भी आपको पता होगा। तो ये जो मतलब आपने देखा कि फिज़ा खान इस टॉपिक को लेकर डिस्कस कर रही है, तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ। हालांकि एक फ़नी टॉपिक है, लेकिन ये डेफिनेटली बहुत सीरियस टॉपिक है, और फिज़ा खान जो कि एक नंबर की बकलोल है, इसको इंडिया और ये सब इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है, तो इसने ये बड़ा अच्छा टॉपिक चूज़ किया है। बाकी ये टॉपिक फिज़ा खान के साथ एक मतलब मिसमैच कर रहा है, फिज़ा आंटी इस तरीके के टॉपिक कवर करेगी तो एंजॉय तो होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, आप भी सुरक्षित रहें, कभी भी अगर आपका इच्छा है, कभी भी आपका संभोग करने की, सेक्स करने की, तो प्लीज़ सस्ता वाला कॉन्डम ही खरीद लें, लेकिन खरीद कर यूज़ करें, बिना कॉन्डम के सेक्स ना करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।